हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं इस तरह की कुछ पिक्चर एडिटिंग तो पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो अब एक्टर में जाकर हमारा मॉडल चुन लेते हैं। तो हमारा मॉडल है एमएल धोनी। तो मॉडल को मैंने पहले से बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है, तो इसको एडजस्ट करने के बाद 71 के आसपास ऑप्टिकल रखकर इरिस पर जाकर हार्डनेस थोड़ा कम कर इसको पहले साइड से इरेस कर देना है। पहले आप एडजस्ट कर लेना, उसके बाद साइड से धीरे धीरे इरेस करना। जिस दौरान ये पिक्चर पूरा ओरिजिनल लगे, तो मैं कर रहा हूँ जिस तरीके, तो मैं धीरे धीरे दोनों को कम रखकर कर रहा हूँ। तो आप भी कर लेना अपने हिसाब से। तो और एक बात, और जो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और पास में बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दे, जिस दौरान मैं सब वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो ज़्यादा बातें ना करते, तो एडिटिंग पे ध्यान देते। तो साइज कर लिया, अब इसको डन कर देते। तो अब हम जाएंगे ड्रॉन पे, पे जाकर एक एम्प्टी लेयर बनाएंगे। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद वो ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद पिक्चर में जाकर धोनी एमएल धोनी का कटआउट मॉडल ले लेंगे और उसको बड़ा करके अपने हिसाब से रख देंगे। तो मॉडल को आप लोग अपने हिसाब से सेटअप कर लेना। तो मैं सेटअप कर रहा हूँ। सेटअप करने के बाद हमारे फिर शेडो। तो शेडो के लिए पहले आप हार्डनेस को 3 या 4 पे रखकर साइज और सेंचुरेशन को अपने हिसाब से रख लेना। शेडो डालने से मतलब वो आपकी पिक्चर जो है वो ओरिजिनल लगती है। तो जूम इन करके शेडो बना दीजिएगा धीरे धीरे पैर के नीचे, जिस दौरान ये फोटो पूरी ओरिजिनल लगे। मैं अभी शेडो ऐड कर रहा हूँ, आप भी अपने मॉडल के हिसाब से शेडो करना। और अब लाइन बना दे, ये का शेडो जो है मॉडल का वो बैकग्राउंड पर पड़ रहा है। और बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, चाहिए तो बैकग्राउंड लिंक डाउनलोड कर लेना। तो शेडो हमारा लगभग क्रिएट हो चुका है। तो शेडो क्रिएट हो चुके। तो अब हम इसकी को सेव कर लेंगे। तो फोटो को पहले ट्रांसफ़र करके उसके बाद हम फोटो को लेते सेव, उसके बाद बाकी एडिटिंग हम लाइटरूम पे करेंगे। तो चलते लाइटरूम की तरफ। लाइटरूम पे अगर पहले आप ऑटो कर देना, ऑटो करने के बाद ये ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा लाइटनिंग इफेक्ट हो जाएगा। फिर ब्राइटनेस पे जाकर मिक्स पे जाकर ग्रीन को अपने हिसाब से सेटअप कर लेना। सेटअप करने के बाद आप लोग ब्लैक को हाईलाइट को थोड़ा कम, शेडोज को थोड़ा ब्लैक 0 कर देना। उसके बाद अब मिक्स पे जाकर ब्लू कलर ऑप्शन चुनकर सेंचुरेशन को 70 या 20 का करके लिमिट को कर देना माइनस। उसके बाद ग्रीन वाला ऑप्शन में थोड़ा बढ़ा देना है और सेंचुरेशन कम कर देना। फिर जाएंगे हम इस वाला ऑप्शन पर जाके इसको अपने फोटो के हिसाब से हम एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद देखिए हमारा पिक्चर बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है। बस हम फिर से जाएंगे कलर और मिक्स पर। मिक्स पर जाए ग्रीन को सेंचुरेशन फुल बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या है, वो घास जो है ना वो थोड़ा हाईलाइट करने लगा है।
सो ये स्टेप बाय स्टेप है, वीडियो पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो आपका एडिट पूरा नहीं होगा। तो आप सेव कर लेते हैं पिक्चर को, सेव हो गया है। तो अब मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर दिखाऊँ, एरा बिफोर एरा आफ्टर, एरा बिफोर एरा आफ्टर, देखो कितना फ़र्क है। तो भाई लोग जो मेरे चैनल पर नए नए हैं और आपको इसी तरह नई नई एडिटिंग चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना और मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना।